अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आप जितने भी बच्चे हो, चाहे 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज आपको पता है, देखो आप रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आप जरूर देखोगे इंस्टाग्राम पे पेजेस, यूट्यूब पे चैनल्स, या अगर हम देखें फेसबुक के पेज, या अगर हम देखें वेबसाइट्स, वो पता नहीं क्या क्या बकवास चढ़ा के आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे। कोई बताएगा मई एंडिंग में रिजल्ट आएगा, कोई बताएगा 25 को रिजल्ट आएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप उन सबको देखना बंद करें। अब वो कैसे, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपने गूगल या क्रोम में, वहां पे आप सर्च करेंगे jkbose.nic.in। ये इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप लास्ट का रिजल्ट देखो ना, देखो व्यू रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी पार्ट वन क्लास 11th सेशन बायनवल 2023 प्राइवेट, तो जो रिसेंट रिजल्ट है ना वो ये वाला है कि जो रिसेंट निकला है वो बायनवल प्राइवेट क्लास 11th का निकला है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट कुछ होगा ना, फॉर एग्जाम्पल 2024 का कुछ भी आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखे, तो वहां पे आप समझ जाना कि आपका कोई ना कोई रिजल्ट आ चुका है इस सेशन का। तब तक जैसे आपको कोई सा भी पेज अपडेट दे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया या कुछ भी हो सकता है, आप ये सेम इंटरफेस अपने फोन में खोल के रखें। जैसे आप यहां पे विजिट करेंगे आपको पता चल जाएगी कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है। यू विल गेट टू नो बाय योरसेल्फ कि इज इट फेक और इज इट रियल। तो इस वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करें ताकि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, कोई भी बच्चा ऐसे फेक न्यूज देख के पैनिक ना हो। ठीक है, तो यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।